भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये मेरे स्वर्णिम भारत के नौजवान साथियों, जिनकी बौद्धिक क्षमता और जिनकी कर्मशीलता से भारत आने वाले समय में दुनिया में नेतृत्व करेगा, वह युवा शक्ति यहां पर उत्साह उमंग के साथ यहां पर बैठी हुई है। ये वर्ष हमारी आजादी का 75 वर्ष है और ये आजादी हमने एक लंबे संघर्ष, लंबी कुर्बानी और बलिदान के बाद आजादी मिली है। और इसीलिए आज हम हमारे अतीत को, हमारा गौरवशाली शौर्य इतिहास, हमारी गौरवशाली देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पण, सेवा, त्याग, जिसके कारण हमें आजादी मिली, देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपना सारा जीवन इस आजादी के लिए लड़ा, देश के लिए समर्पण किया, उस त्याग तपस्या सेवा के उन शहीद बलिदानी लोगों को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं और हमारे गौरवशाली इतिहास से हम प्रेरणा भी ले रहे हैं। इसके साथियों, हमें आजादी की उस लड़ाई को भी याद रखना है और आजादी के बाद नया भारत, आधुनिक भारत भी बनाने का संकल्प लेना है। यह वर्ष हमारे संकल्प का पर्व है। ये वर्ष हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति से नए भारत बनाने का संकल्प है। मैं जो नौजवानों की आंखों में जो देख रहा हूं, जो उत्साह है, उमंग है, आत्मविश्वास है, देश के प्रति समर्पण है, आपके इसी समर्पण से, इसी सेवा से और आपके सपनों से हम नया भारत बनाएंगे। आप सब लोग IIT की परीक्षा के लिए यहां पर आए, कुछ मेडिकल विद्यार्थी भी यहां पर हैं। दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी में के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उस विकसित देश के अंदर ये भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, तकनीकी ज्ञान ही उस देश को भी विकास कर रही है
और भारत को भी नई दिशा दे रही है। इसलिए आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपना करियर तो बनाएं, लेकिन करियर के साथ हम देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पित भाव रहे, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण रहे, और हमारे प्रयासों से हम नया भारत बनाने का संकल्प लें। यह पर्व आजादी का पर्व इसलिए है। आप सब लोगों की उम्र कोई 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, 17 साल है। जब हम आजादी के शताब्दी वर्ष के 100 साल होंगे तो हम 100 साल के उस सपने का भारत देख रहे हैं, और ये सपनों का भारत आपको देखना है। आपकी कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम, देश के प्रति प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयास भारत को आजादी के 100 साल बाद एक स्वर्णिम भारत, दुनिया के अंदर नेतृत्व करने वाला भारत होगा, तो आपके सपनों के कारण होगा। इसलिए मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि हम आजादी के उन लोगों को भी याद करें, और आधुनिक भारत बनाने में हमारा योगदान रहना चाहिए, और हमारे मन, क्रम, वचन में, हमारे कार्य में देश सबसे आगे रहना चाहिए। हमारे हर कार्य में देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज है, हर व्यक्ति अगर सामूहिकता के साथ हमारी इस ड्यूटीज की चिंता करने लग जाएगा, कर्तव्य की चिंता करने लग जाएगा, तो हम सामूहिक संकल्प शक्ति के साथ हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कोटा एक लघु भारत है। जहां मैं अभी ट्रेन से दिल्ली आ रहा था तो मुझे एक विद्यार्थी मिला, वो झारखंड का था। दूसरा विद्यार्थी मुझे मिला, वो बंगाल का था। एक विद्यार्थी मिला जो बिहार का था, एक उत्तर प्रदेश का था। अलग अलग राज्यों के नौजवान यहां पढ़ने आते हैं। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है जनप्रतिनिधि के नाते कि नौजवानों को एक अभिभावक के रूप में, परिवार के रूप में हम संभालें। आप निश्चित रहिए, कोटा आपका परिवार है, आपका घर है, हम सब आपके साथ हैं। हम सामूहिकता के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में जी जान कोशिश करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, और सामूहिक प्रयासों से हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आजादी के अमृत महोत्सव हमारा संकल्प का पर्व है। संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़े, नए भारत का निर्माण करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन बाद जब हम हमारी आजादी का 75 वर्ष 15 अगस्त मनाएं, तो उस दिन हमारे लिए संकल्प का पर्व होना चाहिए। हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हमारे हाथ में तिरंगा होना चाहिए। प्रधानमंत्री लाल किला से बोले, कोटा में बैठकर विद्यार्थी, IIT मेडिकल का विद्यार्थी बोले इस संकल्प के साथ कि नया भारत में बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में मैं कड़ी मेहनत करूंगा, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।